भाइयों, वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ, अहले सुन्नत का चोगा उड़ा हुआ, राफजियों का एजेंट है, राफजियों का एजेंट है। आपके सामने पहले भी ये बात रखी थी, मुआज अल्लाह उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हरदा सराई की और झूठ बोला है। एक तो ये होना कि उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज अल्लाह सुम्मा मुआज अल्लाह, हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे हैं मुआज अल्लाह। बगियम बगीना मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। ये बकवास करता है, ये बकबक कर रहा है। किसी यहूदी ने उठाइए या तो ये हमें दलील दे कि किस यहूदी ने किस जगह के ऊपर किस किताब में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा। नहीं कहा, इसको भी पता है कि नहीं कहा, इसके मुंह से ये अल्फाज निकल गए, इसने इसका जवाब रिकॉर्ड कराया। जवाब रिकॉर्ड कराता है कि जी मेरे एक क्लिप को लेके कि यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा था, ये मौलवी मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा करते, इशारा मारी तरफ करता है बदबख्त। और उसके जवाब में पता क्या जवाब दिया, जवाब सुने, ये बदबख्त इतना कज़्ज़ाब और झूठा है, अपनी गलती मानने की बजाय क्या देता, मेरे मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मुझे माफ किया जाए। कहता है छोकरा जो लफ्ज होता है, इन मौलवियों को यह पता नहीं है कि छोकरा लफ्ज जो है यह गंदा नहीं है, यह किसी भी नौजवान को कहते हैं, जो यंग हो, जो नौजवान हो, जो कम उम्र हो, उसको छोकरा कहा जाता है हमारे बरेशगीर के मुआशरे में। यह उसने जवाब रिकॉर्ड करवाया। ए बदबख्त आदमी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 55 से 60 और 62 बरस थी जब वो मदीना में यहूदियों के पास थे, 55 साल के इंसान को बता किस यहूदी ने यह बकवास की है। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है? बता, झूठ बोलता है और फिर कहता है छोकरा कहना कोई अचंभे की बात नहीं है। कहा ही नहीं किसी ने, यहूदी किसी ने कहा ही नहीं, अगर कहा है तो दलील दे। और आगे जवाब ही कह रहा है कि अगर छोकरा कह भी दिया है तो यह कोई बुरी मिसाल नहीं है। देखें, आप अपने दाम में से याद आ गया, खुदी ये बात कही और फिर उसको नहीं था पता कि कुछ अरसा पहले मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड कराया हुआ, उसके अंदर पता क्या शिकवा कर रहा है, ये जी मौलवी मुझे कहते हैं ये कल का छोकरा, देखे इनकी जुबान कितनी गंदी है। लैंग्वेज सुने इन उलमा की, लैंग्वेज सुने, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखे, हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज। समझ आई है बात, खुद छोकरे को कह रहा है कि यह गंदी बात है, यह गंदी जुबान है, यह मौलवियों की जुबानें देखें इनके अंदर कितना गंद है। मैं मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी को यह छोकरा कह रहे हैं कल के, वो मौलाना अबू बकर सिद्दीक है गुजरावाला की उम्र सिद्दीक, उन्होंने मुझे कल का छोकरा कहा, यह कितनी गंदी जुबान है। बदबख्त, तुझे छोकरा कहना यह गंदी जुबान है, और तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह झूठ बोले, बक बक करे, और तुझे कोई पूछने वाला नहीं, और इंतजामिया भी अजीब है, अजीब है। ये अपने आप को कहता है मैं हुकूमत का मुलाजम हूं, मैं पता नहीं कौन सी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर हूं, ये सरकारी मुलाजमों को ये किसकी पुश्त बनाई है, इसके पीछे किसके हाथ हैं, हमें इस बात का भी जवाब चाहिए। और इतना बदबख्त है, चैलेंज किया, चैलेंज। और वो मैं आपको फार्मूला बता देता हूं चेक करने का, कि आप किसी भी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस आलम दीन जिसको उस मकतबे फिक्र के सब लोग मानते हो, यह स्टेटमेंट लिखवा दें कि हमारे अलावा जितने भी मकातबे फिक्र हैं उनको हम मुसलमान मानते हैं, और जिन अकीदों पे वो कायम है इन्हीं अकीदों के साथ वो मर गए तो एक ना एक दिन अपना अजाब भुगत के जन्नत में जाने में कामयाब हो ही जाएंगे। इस तरह स्टेटमेंट लिखवाएं। चैलेंज क्या किया है आज, इसके चैलेंज का भी मैं जवाब देता हूं। चैलेंज किया है, और चैलेंज का मतलब पता क्या होता है, कहता मैं लिख के देता हूं इन मौलवियों में से किसी से लिखवा ले, अहले हदीस का आलम हो, देवबंदियों का कोई आलम हो, बरेलवियों का कोई आलम हो, मैं अहले हदीस मकतबा फिक्र के नुमाइंदा तालिब इलम और आलिम होने के नाते से इसके चैलेंज का भी जवाब देता हूं। चैलेंज कर रहा है कि कोई अहले हदीस आलम, देवबंदी आलम, बरेलवी आलम यह कह दे कि ये अहले हदीस देवबंदी बरेलवी मुसलमान हैं। अब ये चैलेंज का मतलब क्या होता है
कि मैं चैलेंज देता हूं, ये नहीं कह सकते। अगर कह देंगे तो मैं दीन की बात छोड़ दूंगा, मुराद यही होती है। मैं आज के बाद चैलेंज का मतलब ही है ना, मैं चैलेंज करता हूं, ये नहीं कह सकते। अगर कह देंगे तो उसका इकाब भी तो बता, उसका बदला भी तो बता, और आज के बाद दीन के बारे में अपनी जुबान को लगाम दे। जा, मैं अहले हदीस का एक अदना तालिब इल्म और नुमाइंदा होने के नाते ये कहता हूं कि अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सारे मुसलमान हैं। कहां तेरा चैलेंज, कहां तेरा चैलेंज? और फिर इतना बदबख्त है, पैंतरे बदलता है, कहता है शायद उसको ये पता था कि ये कह देना। अल्लाह के फजल करम से हम एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं, गमी खुशी में शामिल होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, जनाजे होते हैं, दफन तदफीन होती है, तजहीज और तकफीन होती है। आगे से कहता है ये तो शायद कह दे कोई कि एक दूसरे को मुसलमान कहते हैं, लेकिन ये कह के दिखाए कि एक दूसरे को ये कह के दिखाए कि ये अपने अपने गुनाह भुगत के जन्नत में चले जाएंगे। ए बदबख्त, तूने क्या समझा दीन को? तू दीन को नहीं समझ सका। मैं एक अदना तालिब इल्म होने के नाते ये कहता हूं, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, तीनों में से जिस किसी ने अल्लाह की जात के साथ शिरक नहीं किया होगा वो मर जाएंगे, अपने अपने गुनाहों को भुगत के जन्नत में चले जाएंगे। बता कहां है तेरा चैलेंज? बता, या तो कुछ बात बदलता, या तो अब ये इसके जवाब में कहेगा जी शिरक, तो तू फतवा दे दे कि शिरक करने वाला भी जन्नत में चला जाएगा, या तो तू कह दे। हम तो ये बात एलानिया कह रहे हैं, एक जिम्मेदार मिंबर से कह रहे हैं कि कोई अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिरक अगर उसने ना किया हो, अल्लाह ताला एक दिन उसके गुनाहों का बदला दे के उसे जन्नत में डाल देंगे। बता, या तो अब तू फतवा दे कि शिरक करने वाला भी जन्नत में चला जाएगा, या जो तूने चैलेंज दिया अब अपनी जुबान को लगाम दे, दीन की बात करना आज के बाद छोड़ दे। और मैं हुक्काम बाला से मुतालबा करता हूं, यह इलानिया गुस्ताह रसूल है। अगर यह छोकरे के लफज से तोबा नहीं करता, और अगर यह स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि अड़ गया, जिद बना ली है सिर्फ एक जिद की वजह से, और अगर गुस्ताह रसूल अमदन नहीं भी की, सहवन की है, तो लोगों के सामने आके तोबा करे, माजरत करे, माफी मांगे। और इसी पर बस नहीं है, गुस्ताह रसूल के हवाले से तो चलो यह बात हो सकती है, लेकिन इलानिया गुस्ताह साहबा तो है, हजरत अमीर मुआविया की शान में तोहीन करता है, हजरत अबू सुफियान की शान में तोहीन करता है, और ऐसा अजीब आदमी है, अकल के ऊपर ऐसा पर्दा है, माशाल्लाह। अपने मानने वालों की मिसाल खुद दे रहा है, हम क्या दें? अपने मानने वालों के बारे में कह रहा है ये, मैं इनकी मिसाल ऐसी है जैसे बंदर के हाथ में माचिस है, खुद कह रहा है खुद। क्यों, पंजाबी एक मुहावरा है ना कि बंदर हाथ बंदूक आई, या बंदर हाथ माचिस आई तो उन्हें पूरे शहर में आग ला छड़ी, ठीक है ना? यानी एक बंदर के हाथ में माचिस आ गई तो उसने पूरे शहर को आग लगा दी। यानी यह तो नोटोरियस मिसाल है ये, लेकिन पॉजिटिव भी यूज होती है कि एक बंदा इतनी चेंज ले आए। सर, हमारे हाथ में जब ये चीज आई है ना, तो हमने आग नहीं लगाई है, हमने हर बंदे को एक माचिस। जैसे बंदर के हाथ में माचिस और बंदूक है, मैंने अपने मानने वालों के हाथ में एक माचिस दे दी है। मिसाल तो बड़ी नोटोरियस है, लेकिन यह तब्दीली के लिए भी, कभी बंदर के हाथ में माचिस भी मुस्बत मानों में इस्तेमाल हुई है मिसाल? कहता है मिसाल बड़ी नोटोरियस है, लेकिन अच्छे मानों में भी इस्तेमाल होती है कि एक बंदा इतना चेंज ले आया है। ये अपने मानने वालों को खुद बंदर कहता है, और कहता है इनके हाथ में माचिस है। जा मिर्जा जेलमी, तेरे जितने एतराजात हैं, जो तूने चैलेंज किया, तुझे जवाब दिया, और इससे भी बड़ी बात कहता हूं, जा। क्या हुसन ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम हाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। तू इलानिया तोबा कर कि मैं गुस्ताही साहबा आज के बाद नहीं करूंगा। अबू बकर से लेके अमीर मुआविया तक तू ऐलान कर दे, हर साहबी जन्नती है। अल्लाह की कसम, मैं तेरा जनाजा भी पढ़ाऊंगा, तेरे लिए मगफिरत की दुआ भी करूंगा, तुझे कब्र में भी दफन करके आऊंगा। तूने अभी लोगों के सामने ड्रामा बनाया हुआ, तू मर के देख तो सही कि तेरे लिए हम मगफिरत की दुआ करते हैं। अगर तू तौबा करके मर गया, तेरे लिए मगफिरत की दुआ भी होगी, लेकिन अगर तू किसी सहाबी के बारे में यह बकवास करेगा कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं, तो हम सबसे पहले होंगे जो कहेंगे तू बेईमान है। सहाबा के बारे में कोई बंदा ये कहे वो बेईमान है, तो वो सबसे बड़ा बेईमान है। सहाबा के बारे में कोई बंदा ये कह दे वो गैर मुस्लिम है, वो खुद सबसे बड़ा गैर मुस्लिम है। ये इसने क्या बातें फैलाई हुई है मुआशरे के अंदर।